तो एक कप कितने का पड़ता है? 5 रुपीज का पड़ता है। 5 रुपीज का लेंडिंग होता है। और अपने सेल कितने में कर सकते हैं बाजार में? आराम से 20-25 तक जा सकता है। अभी टोटली मशीन क्या काम कर रही है भी आपकी? ये टोटली चीज अभी डिस्प्ले इंट्रोडक्ट करेगी आपको। इसमें आप अलग अलग डेकोरेशन करना है, टॉपिंग्स करना है, तो अलग अलग डेकोरेशन टॉपिंग्स भी इसके अंदर आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमारे पास ट्विंकल्स है, इससे आप अलग अलग ऐसे ट्विंकल कर सकते हो, उसके अंदर इसको ऐसे डेकोरेटिंग कर सकते हो। अगर चॉकलेट टॉपिंग ऐड करना है तो चॉकलेट टॉपिंग ऐड कर सकते हो इसके अंदर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल। आप सभी का खूब खूब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशल इज सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन 2023 एडवांस डिजिटल फंक्शन प्लस स्नो मेकिंग मशीन और सोडा मशीन। तीनों मशीन के लिए हमारे यहाँ कस्टमर आया है गुलबर्गा कर्नाटका से। कस्टमर आया स्पेशली डॉल्फिन अप्लायंस कंपनी में विजिट किए, मशीन को देखने, चेक करने, क्या क्वालिटी होता है, क्या फंक्शन है। तो हम सर को पूरी लाइव स्टेशन डेमोस्ट्रेशन दे रहे हैं, तो थोड़ा हम सर से बात करेंगे। हेलो सर। हेलो सर, क्या नाम है सर? यश शाह। यश शाह, और कहाँ से है सर आप? कर्नाटक गुलबर्गा। कर्नाटक गुलबर्गा से आए। अच्छा, और कौन सी मशीन के लिए है सर आप? सोडा मशीन स्लश और ये सॉफ्टी, तीन मशीन का आपका रिक्वायरमेंट है। अच्छा, और आपने सर हमारा ये रेफरेंस कहाँ से मिला आपको? ये यूट्यूब से मिला है। यूट्यूब में वीडियो देखा होगा तो आज स्पेशली फैक्ट्री पे आए आप भावनगर। अच्छा, तो सर हम जो यूट्यूब में बताते हैं हमारा काम ऐसा है, हम जो बनाते हैं मशीन, हमारी मशीन डिस्पैच होती है, डिलीवरी होती है, तो एक्चुअल में आपको लगा वो चीज? हाँ सर, ओरिजिनलिटी लगा तो है ये ना। नहीं, यहाँ पे कई बार क्या कोई वीडियो में कुछ दिखाता है और कुछ वहाँ जाते तो कुछ होता नहीं है, वहाँ पे कुछ देखने नहीं मिलता है, तो आपको सब ओरिजिनलिटी लगा यहाँ पे? लगा सर, क्योंकि कैसा है गुजरात मेरे पापा का गाँव है तो भरोसा एक तरह का भरोसा है। अच्छा, बराबर है। तो हमारे सर है, इनको हम सॉफ्टी मशीन हमारा है रेम्बो मॉडल है 2023 का, इनकी लाइव डेमो देंगे। और स्लश मशीन का ऑलरेडी डेमो हम दे चुके हैं कस्टमर को। सर कैसा लगा स्लश? बहुत अच्छा, टेस्टी था। अच्छा है। हाँ। एकदम स्मूथ क्वालिटी है, बहुत अच्छा। अच्छा, कौन सा फ्लेवर टेस्ट किया आपने सर? कीवी फ्लेवर। कीवी फ्लेवर का। और इसका एक कप अगर 100 ml का आपने बनाते हैं ब्रांडेड क्वालिटी से, जैसे मालाज कंपनी का फ्लेवर है 100 ml, तो एक कप कितने का पड़ता है? 5 रुपीज का पड़ता है। 5 रुपीज का लेंडिंग होता है। और अपने सेल कितने में कर सकते हैं बाजार में? आराम से 20-25 तक जा सकता है। आराम से आपने टेस्ट किया तो आपको लगा के जाएगा 20-25 तक। श्योर। और हमने आपको इसमें एक दूसरा भी वेरायटी बताया फ्लेवर में। हाँ। कि वो 1.90 रुपए में पड़ेगा, तो वो भी अपने कर सकते हैं अगर सस्ता बेचना। हाँ, है तो अच्छा है, लाइक मार्केटिंग आपको जमाना है, फर्स्ट में न्यू जमाना है, तो वो वेरायटी से भी कर सकते हैं आप। हमने सर को दोनों रेसिपी बताया कि आपको रेगुलर रेसिपी 2 रुपए वाला कप भी बनाना है तो आप बना सकते हो, और ब्रांडेड मालास कंपनी मैप्रो कंपनी का शरबत यूज करेंगे तो आपको 5 रुपए का कप पड़ेगा। एक कप मैं आपको इसमें से निकाल के बताता हूँ क्वालिटी इसका कैसा है। ये मशीन हमारे पास वर्केबल है, यहाँ से हम निकाल के बताता हूँ आपको। ऑलरेडी ये जम चुका है और कीवी का फ्लेवर हमने डाला हुआ है, आप देख सकते हैं कीवी का फ्लेवर ऐड किया हमने इसमें। इसका स्मूथनेस कैसा है, इसका आइस का क्वालिटी कैसा है, फ्लेवर का टेस्ट कैसा है? बहुत अच्छा है सर, मैं ऑलरेडी एक कप खा चुका हूँ, तो और एक कप खाने में ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन बहुत टेस्टी है। इसका स्नो वगैरह परफेक्ट, जो हम गोला खाते हैं ना। अच्छा, वही टेस्ट है, डिश गोला खाते हैं, डिश गोला टाइप का, एग्जैक्टली वही टेस्ट है। बराबर है। और इसमें अपने मॉडिफाई भी कर सकते हैं उसको, आइस क्वालिटी को अप डाउन करना है तो आपको बताया डिस्प्ले में से सेट कर सकते हैं उसको, स्मूथ करना है, हार्ड करना है, तो सब कर सकते हैं। तो चलिए, टाइम को गवाए बिना हम थोड़ा ये फ्लेवर का भी रेसिपी सर को बता देते हैं, कैसे बनाना है, कैसे ऑपरेट करना है, और फ्लेवर को कितने देर इसमें लगाना है मशीन के अंदर, इजी टू यूज कैसे करना है। सबसे पहले हमारे पास 1 किलो पाउडर है, ये स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर है, इसमें अपने को 4 लीटर मिल्क ऐड करना है, 4 लीटर मिल्क ऐड करना है, 1 किलो पाउडर यूज करना है। मिल्क जितना अच्छा होगा, क्रीमी मिल्क होगा, उतना बेटर रहेगा अपने को, जो अच्छा अमूल कंपनी का अगर आपके वहाँ मिलता है, अगर अमूल नहीं मिलता है, दूसरा कोई डेयरी का मिलता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो उसमें। अभी ये 4 लीटर हो गया मिल्क अपना, अभी 1 किलो पाउडर अपने मिक्स कर देंगे इसमें। अभी फ्लेवर मिक्सचर है जो मशीन के साथ हम कॉम्प्लीमेंट्री में देते हैं, इससे हम अच्छे से थोड़ा इसको ब्लेंड कर देंगे। मिक्स हो चुका है, अभी हम दोनों में आधा आधा 2-2 लीटर फिल कर देंगे। हाँ, 2-2 लीटर टोटल है, तो अपना 6 लीटर का टैंक है पूरा, लेकिन टेस्टिंग के लिए 2-2 लीटर अपने फिल कर देंगे इसमें।
उसका बटन लेके लाइन में ले लेंगे थोड़ा। अभी यहाँ पे डिस्प्ले में अपना फ्रीज का बटन है, आइसक्रीम जमाने के लिए इसको स्टार्ट करेंगे प्रोसेस का, इसलिए फ्रीज का बटन दबाना है अपने को। तो मशीन चालू होगी अपना, अभी अराउंडली 10 सेकेंड के अंदर उसका कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। कंप्रेसर चालू हो गया है। अभी टोटली मशीन क्या काम कर रही है अभी आपकी, ये टोटली चीज अभी डिस्प्ले इंट्रोडक्ट करेगी आपको कि मशीन में क्या प्रोसेस चल रहा है अभी, टैंक में कितना मटेरियल है, ये टैंक दिखा रहा है इसका सिंबल, ये टैंक में कितना आपका टैंक में मटेरियल भरा हुआ है, कितना डिग्री सेल्सियस है टैंक का, 21 डिग्री का सेल्सियस तापमान है इसके अंदर का, ये सिलेंडर का है, सिलेंडर में कितना माल भरा है और इसका डिग्री ग्राम सेल्सियस कितना है, आइसक्रीम कितना परसेंट तैयार है, तो 60% ही अभी तैयार नहीं है, 100%। आइसक्रीम बन के जाएगा तब ये ब्लिंकिंग हो रहा है वो पूरा रेडी हो जाएगा, 100% बन जाएगा, इसलिए कौन बन के तैयार हो जाएगा। एक बार इसको क्लिक करेंगे तो ऊपर का डिटेल आएगा, मशीन में से आउटलेट कितना कौन निकला, तो अभी जीरो ही है, कोई कौन नहीं निकाला है। ऊपर से पावर कितना रहा है, 233 का पावर आ रहा है ऊपर से। टोटली इंट्रोडक्शन अभी अपने को मशीन खुद देगी। दिन में सबसे पहले डालते हो तब पहली बारी आपको 10 से 12 मिनट का वेट करना है, फिर वेट करने का जरूरत नहीं है। एक बार मशीन बन गई, आइसक्रीम रेडी हो गया, फिर माल निकालते रहो, ऊपर से डालते रहो, निकालते रहो, डालते रहो, ऐसा कंटिन्यू आप कर सकते हो। अभी रेम्बो का टॉपिंग से अपने पास स्ट्रॉबेरी का, ये अपने उसमें फिलअप कर देंगे। ये जितना आप डालो, 1 लीटर, आधा लीटर, 400 ग्राम, 500 ग्राम, जो भी डालना है अपने रिक्वायरमेंट से डाल सकते हो। सबसे पहले हमारे को यहाँ पे वॉश करना है, इसलिए लाइनिंग क्लीन करना है अपने को, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले सी का बटन है, ये बटन दबाना है। उसके बाद यहाँ पे ये बी का बटन है, इसकी वजह से कंटिन्यू पंप चालू हो जाएगा, कंटिन्यू वर्किंग आता ही रहेगा उसके अंदर। जब तक आता नहीं है तब तक लाइन में आता है, यहाँ तक तब तक अपने इसको चलने देंगे। ये ऑटो मोड पे आ गया, अभी मैनुअल मोड पे आ गया, ऑटो मोड नहीं है। तो पानी था वो पहले पानी आ चुका है, स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर आ जाएगा, इसलिए हम इसको बंद कर देंगे। यहाँ से लाइन में आ चुका है अपना, फिर बंद कर दिया। अभी अपने को जब जितना रिक्वायरमेंट है तब एक कोन में जरूरत है तो एक बार बिग बटन दबाना है, कोन निकाल के दे देना है। जब नहीं चाहिए तब बटन नहीं दबाना है। अराउंडली 10 से 12 मिनट के अंदर आपके सामने लौटते हैं, फिर से आइसक्रीम बन जाता है तैयार हो जाने के बाद, कस्टमर को टेस्ट करा के उनका लाइव डेमोस्ट्रेशन देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी आइसक्रीम बन के रेडी हो चुका है, मशीन के अंदर 100% शेप आ चुका है। कितना टाइम के अंदर हो गया आइसक्रीम अपना? 9 to 12 minutes के अंदर पूरा आइसक्रीम जम के पूरा मशीन बंद हो गया था। हाँ। पावर से और मोड पे आ चुका था, आ गया था, बंद हो गया था, साइलेंट हो गया था, साइलेंट हो जाता है पूरा। अभी हम हमारे कस्टमर को थोड़ा आइसक्रीम निकाल के टेस्ट कराएंगे, स्ट्रॉबेरी का जो फ्लेवर बना है उनका क्वालिटी कैसा है मशीन के अंदर से। आप देख सकते हैं स्ट्रॉबेरी का सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन हमने मशीन में से निकाला हुआ है। लीजिए सर, टेस्ट कीजिए थोड़ा। इसमें आप अलग अलग डेकोरेशन करना है, टॉपिंग्स करना है, तो अलग अलग डेकोरेशन टॉपिंग्स भी इसके अंदर आप कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे हमारे पास ट्विंकल्स है, इससे आप अलग अलग ऐसे ट्विंकल कर सकते हो उसके अंदर, इसको ऐसे डेकोरेटिंग कर सकते हो। अगर चॉकलेट टॉपिंग ऐड करना है तो चॉकलेट टॉपिंग ऐड कर सकते हो इसके अंदर, ऐसे डेकोरेटिंग करना है तो कर सकते हो आप। ऐसे चॉकलेट डिपिंग करके आपको ऐसे करना है, ऐसे वेराइटीज बनाना है अलग अलग एट्रेक्टिव, तो ग्लास के ऊपर ऐसे अलग अलग चॉकलेट का वेराइटी डाल सकते हो आप। उसके बाद अपना आइसक्रीम फिलअप कर सकते हो इसमें आप। ऐसा वेराइटीज भी बना सकते हैं अलग अलग, अपने माइंड से उसको क्रिएटिव कर सकते हो, बना सकते हो क्रिएटिव के हिसाब से। पहले सर से पूछ लेते हैं कैसा लगा सर टेस्ट? बहुत अच्छा है। अच्छा है, डिलीशियस है, एकदम सॉफ्ट और क्रीमी है। हाँ, क्रिस्टल आता है इसमें? हाँ, जैसे बर्फ का दाना आता है ऐसा कुछ? नहीं, है नहीं, ऐसा कुछ नहीं आता है, बहुत सॉफ्ट है, एकदम सॉफ्ट और क्रीमी है पूरा। अच्छा, आप देख सकते हैं सर को हमने लाइव टेस्ट करा दिया आइसक्रीम का, कैसा बनता है, कैसा क्वालिटी रहता है। और सर मशीन के फंक्शन कैसे लगे आपको? बहुत एडवांस्ड है, हमारे से एडवांस है, आसान है, इसलिए इजी फंक्शन है, कि कोई हार्ड वर्क कोई भी चला सकता है, पूरा इजी टू यूज है पूरा।
आप देख सकते हैं पूरा मशीन हमने लाइव डेमोस्ट्रेशन कस्टमर को दोनों मशीन को ऑपरेट करके चला के सब टेस्ट करवाया है। तो इसी तरह की मशीन की ज़्यादा डिटेल, ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों डॉल्फिन अप्लायंस कंपनी में कॉन्टैक्ट करके हर एक डिटेल जानकारी फंक्शन ले सकते हैं। थैंक यू सर विजिट किया लिया उसके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉल्फिन अप्लायंस।